सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें तेल डालेंगे। इसे गर्म होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। हम तेल को सबसे पहले अच्छे से फैला देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें प्याज और मिर्ची डाल देंगे जो कि हमने पहले से काट करके रखी हुई है। अब इसे थोड़ी देर तक ब्राउन होने तक इसे चलाएंगे। अब इसमें हम अपने बचे हुए चावल डाल देंगे इसे फ्राई करने के लिए। बहुत ही इजी। हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा नमक और इसे थोड़ी देर के लिए बर्नर पे रखेंगे। अब ये रेडी है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है।